हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह मेरे चैनल ऑनलाइन सखी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और होम रेमेडी लेकर के आई हूँ जो कि चावल के पानी के साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उबले हुए चावल का पानी बालों के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि चावल के पानी को भिगा करके कैसे इस्तेमाल करना है, और आज मैं उबले हुए चावल का पानी जो होता है यानी कि चावल का माड़, उसका यूज़ कैसे करना है और वो क्या काम करता है हमारे बालों के लिए, आज इस वीडियो में देखेंगे। चावल के पानी की गुडनेस तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। जैसा कि चावल के पानी में बहुत से मिनरल्स होते हैं और विटामिन भी होते हैं जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देते हैं, उसी तरीके से आज ये जो उबले हुए चावल का पानी है वो हमारे बालों के लिए कंडीशनर का काम करता है। कैसे काम करता है और इसे कैसे बनाना है, आइए देखते हैं। उबले हुए चावल का पानी इस्तेमाल करने के लिए हमें एक पतीली में चावल लेना है और इसमें रोज़ के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, यानी कि डेली जितना चावल पकाते समय हम पानी लेते हैं उससे ज़्यादा पानी लेना है। चावल को थोड़ी देर उबलने देना है। यह पानी जब पूरा दूधिया रंग का होगा तो ये बालों के लिए कंडीशनर की तरह काम करेगा। चावल से एक्स्ट्रा पानी जो है हमारा उसे छान लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम बालों को शैम्पू करेंगे। शैम्पू लगाने के बाद हम ऊपर से उस चावल के पानी को डाल लेंगे। फिर 5 से 10 मिनट बालों को मसाज देंगे। मसाज देने के बाद फिर उसे सादे पानी से धो लेंगे। ये चावल का पानी बालों के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशनर होता है और अच्छे परिणाम के लिए हम इसे महीने में 2 बार यूज़ कर। हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ये मेथी का ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये देख रहे होंगे आप इसमें दाने जैसा, और ये नीचे पत्तियाँ जो दिख रही हैं आपको, ये ब्लैक ब्लैक सी ये करी लीव्स है, और ये जो ब्लैक येलो येलो सा दिख रहा है ये मेथी के दाने हैं। तो मैंने इसको ये बना करके रखा है और मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ। अगला वीडियो में आपके साथ इसी का शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा ऑयल है ये, 100% आपके हेयर फॉल इससे कंट्रोल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय बाय फ्रेंड्स।